जल ही जीवन है, जल बिना जिंदगी नहीं हो सकती है। लेकिन क्या हो जब आपको पता लगे कि जो पानी आप पी रहे हैं वही आपके लिए अभिशाप है, उस पानी को पीने से आप अपाहिज हो गए हैं। दरअसल तय मानक से अधिक फ्लोराइड पीने के पानी में मिलने लगे तो लोग बीमार होने लगते हैं। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाली बीमारियों को फ्लोरोसिस कहा जाता है। इस पानी के जहर बन जाने की कहानी के पीछे का कारण है भूजल का अतिदोहन। प्राकृतिक रूप से फ्लोराइड पृथ्वी की ऊपरी तह का 13वां व्यापक रासायनिक तत्व है। सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि जब से सतही जल को छोड़कर भूगर्भ जल पर हमारी निर्भरता बढ़ी है तभी से फ्लोरोसिस जैसी समस्या एक विकराल रूप धारण करने लगी है। भारत में 28 में से 19 राज्य पानी में फ्लोराइड की अधिकता से प्रभावित हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भौगोलिक रूप से राजस्थान में सतही जल का अभाव है, इसीलिए यहाँ बड़ी संख्या में आबादी भूजल पर हमेशा निर्भर रहती है। यही कारण है कि देश के फ्लोराइड प्रभावित कुल गांवों में से 50% से ज्यादा गांव राजस्थान में हैं। भारत में फ्लोराइड का अनुमेय स्तर 0.6 से 1.5 ppm है। ठंडा पानी रिचार्ज कराओ, फ्लोरोसिस हूं लारो छुड़ाओ। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार अगर फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से ज्यादा हो तो दंतीय फ्लोरोसिस यानी कि डेंटल फ्लोरोसिस होता है, जिसमें दांतों में सफेद धब्बे होते हैं जो आगे चलकर काले धब्बों में परिवर्तित हो जाते हैं। वही मात्रा 3 ppm से अधिक होने पर हमें कंकालीय फ्लोरोसिस या स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, जिसके लक्षण है घुटनों के आसपास सूजन एवं हाथों और पैर का आगे या पीछे की ओर मुड़ना। लंबे समय तक इतनी अधिक मात्रा में फ्लोराइड युक्त जल का उपयोग करने से अकंकालीय फ्लोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से गांव वालों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। छोरी तैयार हो जा, जल्दी चले अपन। ये विकेट है, ठीक है, चल बैठ। आगे के पाप आगे डॉग दे उचबा जी घेर में ना नी का चले हां नी का चले। बहू जी धन्या आल बाल बना दा, हाथ ही ऊपर नहीं हो रहे मेरे तो। आज तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, कंधे ते दुख रहे हैं। बहू यार ये अकड़न बढ़ती जा रही है, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा लग रहा है। आपको क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब 5-6 महीने से मेरे हाथ में बहुत दर्द होता है और हाथ ऊपर ही नहीं उठते, कंधे में भी दर्द रहता है। सर ये गर्दन में बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है और हिलने डुलने में भी प्रॉब्लम हो रही है सर। डॉक्टर साहब दिन आंसू का मर जकड़ रही है, आज तो झुकी हुई कौन जा। अच्छा तो बताइए ये कितने टाइम से हो रहा है आपके? 4 महीने से हो रहा है सर, पर अभी रेगुलर अभी बहुत ज़्यादा होने लगे। 3-3.5 महीना सूजी नहीं जीनी दुख रही थी, आज थोड़ा ज्यादा ही दर्द हो वाला क्यों। तो आपके कहीं लगी है चोट लगी है या कोई एक्सीडेंट हुआ है या ऐसे ही हो रहा है ये? नहीं सर ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं। नहीं डॉक्टर साहब कोई एक्सीडेंट खाई कोनी हो, कोई चोट ना लगी। अच्छा क्या आपके दांतों में कोई तकलीफ है, दिखाइए तो दांत। नहीं डॉक्टर साहब दांत में दर्द तो नहीं है। अच्छा तो मैं आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहता हूँ, कॉइन टेस्ट। ये कॉइन उठा के बताइए मुझे। डॉक्टर साहब ना चुके जा दुख है। ये जो तकलीफ हो रही है आपको इसके लिए मैं एक जांच बता रहा हूँ, चिन नेक टेस्ट।
तो वो आपको करना होगा। वो इस प्रकार है कि आप अपनी जो खुड्डी है उसको अपने कुर्ते के बटन के इधर तक ऐसे ले जाए। बस इससे ज्यादा नहीं होता सर, बहुत ज्यादा अकड़न होती है। ये जो तकलीफ हो रही है आपको, इसके लिए मैं एक जांच बता रहा हूँ आपको, जो आपको करनी होगी वो इस प्रकार है कि आपको शोल्डर स्ट्रेच करना होगा। आप अपने हाथों को ऐसे ले जाएं पीछे की तरफ और ऐसे रखें। डॉक्टर साहब हाथ से ऊपर नहीं उठता। तो मैं आपको एक जांच लिख के देता हूँ, ये है सीरम फ्लोराइड टेस्ट। तो ये जांच करा के आ जाइए। देखो आपके स्केलेटल फ्लोरोसिस है आपको, इसका कारण ये है कि आपके शरीर में जो फ्लोराइड की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, और इनो कारण हो सके कि आपके घर में जो पानी आवे नहीं उनमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, इन वास्ते आपके वो भी है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आपके गांव में स्केलेटल फ्लोरोसिस के। तो ये जो फ्लोराइड होता है ना, तो वो कहीं करे कि अपने शरीर में जाने हड्डियाँ बटे जमा हो जावे, हड्डियाँ ने गड़ा देवे ने कमजोर कर देवे। तो इनमें तो आपने इलाज बढ़िया है कि आपने ध्यान रखना है, कहीं करना है इन वास्ते कि आप जो है फिल्टर पानी लें, तो बारिश के पानी को इकट्ठा करें उसे पिए, और अपने जो पानी है उसके अंदर फिटकरी लगाएं, जिसके कारण क्या होता है कि जो फ्लोराइड है वो नीचे जम जाएगा, और उसे पिए। और हाँ, साथ ही आपको भोजन में भी कुछ विटामिन सी कैल्शियम इन सब की मात्रा को बढ़ाना होगा, जिसके लिए आप दूध संतरा आंवला आदि का मात्रा बढ़ा दें अपने खाने में। और साथ में आपको कुछ और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आप किसी सुपारी तंबाकू इन सब का सेवन ना करें। और रही बात दर्द के लिए, तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ, ये आप तभी लें जब आपको ज़्यादा दर्द हो, नहीं तो ना लें, और ये सावधानी आप जरूर रखें। प्रणाम। प्रस्तुत नाट्य कला में आपने देखा कि किस प्रकार जानकारी और देखभाल के अभाव से लोग फ्लोरोसिस से पीड़ित हो गए। यह बीमारी सिर्फ मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फसल और पशुओं पर भी बराबर असर डालती है। पशुओं में लंगड़ाकर चलना और फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा के कारण कम उपज इसके हानिकारक प्रभाव है। इस परिस्थिति के समाधान के लिए भारत सरकार ने 2008-09 में 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी फ्लोरोसिस के नियंत्रण एवं निवारण हेतु प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्तर पर शामिल किया है, जिसे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस के नाम से प्रचारित किया गया है। इसके तहत पेयजल की फ्लोराइड जाँच कराई जाती है तथा हानिकारक पेयजल स्रोत जैसे कि हैंडपंप को लाल रंगा जाता है अथवा उनकी चेन निकाल दी जाती है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम जागरूक रहें और इन प्रोग्रामों का लाभ उठाएं। गुजरात में अमरेली जिला के लिलिया क्षेत्र में यह समस्या इतनी गंभीर है कि वहां लोग अपने ही घर में लाचार हैं तथा शारीरिक विकृति के कारण वे बिना सहारे चल भी नहीं पाते हैं। गुजरात का वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस प्रोग्राम इस समस्या के सुधार में जुटा है। सामाजिक जिज्ञासा एवं सहयोग से तेलंगाना का मशहूर नालगोंडा आज फ्लोराइड मुक्त घोषित कर दिया गया है। क्षेत्रों में जल स्रोत का बंटवारा व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के अनुसार किया गया है, जिसकी शिकायत करना अत्यंत आवश्यक है। फ्लोरीन मुक्त पानी का सबसे सरल सटीक एवं प्राचीन तरीका है वर्षा जल संग्रह। इसकी लागत न्यूनतम है और रखरखाव भी आसान है, साथ ही अच्छा आहार भी बहुत ही लाभकारी है। जांच की सुविधा एक्वो कैडिस फ्लाई नाम के मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी उपलब्ध है। स्वच्छ और सुरक्षित जल प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। आभार।